हेलो बच्चों बच्चों, हम जो है कर्वेचर कर रहे थे। कर्वेचर में हमने कार्टिजियन फॉर्म पे कुछ क्वेश्चन किए थे। अभी और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि कर्वेचर के थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी से हो जाएं। पहले मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन और उठाता हूँ। एक हमारा क्वेश्चन है, हमारा एक मिनट में क्वेश्चन ले लेता हूँ जैसे ही सा। इस क्वेश्चन को देखिए, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है, एक्स अलग दिया है, वाई अलग दिया है, तब रो पूछा है। तो तुम्हें पता हो क्वेश्चन पैरामेट्रिक में हो कार्टिजियन में हो, एक ही तरीके लगता है, डी बाई एक्स वाला ही। करते क्या है, लो मैं कर देता हूं इससे। सबसे पहले इसे क्या निकालते हैं, डी एक्स ओवर डी टी। एक मिनट, पेन थोड़ा पतला कर लेता हूँ, ज्यादा मोटा हो गया। ठीक है, यहां सबसे पहले हम कर निकालते हैं डी एक्स ओवर डी टी। तो डी एक्स ओवर डी टी तुम निकालना जानते हो, ए टी का हो जाएगा 1, साइन टी का हो जाएगा कोस टी। इसी तरह से डी वाई डी टी निकाल लेंगे, तो डी वाई टी टी की वैल्यू ए 1 का हो जाएगा 0, कोस टी का माइनस साइन टी तो प्लस साइन टी आ जाएगा, ये रहा। फिर निकाल लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। तो जब डी वाई डी एक्स निकालेंगे तो डी वाई ओवर डी टी लिखेंगे इंटू में डी टी ओवर डी एक्स लिखेंगे। यहाँ वैल्यू खोलो, डी वाई डी टी की वैल्यू ये रही ए साइन टी, और जब हम इसका लिखेंगे डी टी ओवर डी एक्स तो इसका उल्टा कर देंगे, तो ए और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कोस टी। यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर इसका फॉर्मूला खोल दीजिए, 2 sin t/2 और cos t/2, और नीचे cos2a वाला फॉर्मूला खोल दीजिए, सब बन कर जाए। तो जब प्लस आता है तो cos वाला फॉर्मूला खोलेगा, 2 cos2t/2, -1 वाला 1 से बन कर जाएगा। इससे फायदा क्या हुआ, 2 से 2, cos से cos, तो ये tan बन गया। तो यहाँ आ गया tan t/2, ये निकला तुम्हारा केवल डी बाई डी एक्स। अब तुम्हें डी टू वाई निकालना, तो दो बार डिफरेंशिएट कर लो। जब हम tan का करते हैं तो sec² आता है t/2, और जब इसका करेंगे तो 1/2 आएगा। लेकिन तब होगा ये जब t के रेस्पेक्ट में किया जाए, हमने करा है x के, तो पीछे लिखा जाएगा dt/dx भी लिखा जाएगा। तो देखो कितना आ गया, sec² t/2 अपॉन में कितना है 2, और dt/dx की वैल्यू फिर खोल दो यहां से, तो ये उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन a और 1 प्लस cos t। ये ना ए से, ना ए से कहाँ कटेगा, ये आ गया। और थोड़ा सा आसान कर लो, जैसे 1 अपॉन 2 है तो बाहर ले लो, ये sec² t/2 है, इस वाले को फिर तोड़ दो 2 cos² t/2 में, cos 2a का फॉर्म लगा कर, तो दौड़ दो 4 जाएंगे, तो 4a तो ये हो गया, और ये जाएगा ऊपर, तो sec की पावर कुल मिलाकर 4 हो जाएगी, 4t/2, यही आ गया। बस जी, डी बाई डेक्स चाहिए, डी टू बाई डेक्स चाहिए, अट्ठा का रो वाले फॉर्म लगा दो। तो ऐसा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है कि हाँ भी इतने मुश्किल नहीं है। डिफरेंशिएट करना तुम 11th 12th सारा यही काम करा, अब भी यही काम कर रहे हो केवल, और सीधा फॉर्मूले तो भरना है, 1 प्लस dy dx² पूरे की पावर कितना, 3/2 और अपॉन में d2y/dx², बस इसमें भर दीजिए। तो 1 प्लस, अब जब डी वाई डी एक्स का स्क्वायर करना तो tan² t/2 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा tan² t/2, पूरे के पावर कितनी है, 3/2 अपॉन में d2y/dx² की वैल्यू ये रही, तो यहाँ 1 अपॉन 4 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा sec की पावर 4t/2। और देखो थोड़ी बहुत गुणा भाग जो है जल्दी का करो, जैसे 1 प्लस tan² sec² हो जाएगा, स्क्वायर से 2 पावर कट जाएगी, sec की पावर 3 होगी, और 4 पावर यहाँ है तो 1 sec बचेगा नीचे, 4a ऊपर पहुंच जाएगा, तो 4a ऊपर बच गया, नीचे sec बच गया, sec t/2, और sec को ऊपर ले जाकर cos लिख दीजिए, cos t/2, बस यही आंसर है। तो बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ऐसे मुश्किल काम तो है नहीं। ये क्वेश्चन पोलर फॉर्म में है, आर और थीटा में। तो देखिए क्वेश्चन तो पोलर फॉर्म का तो अलग फॉर्मूला होता है, लेकिन वो बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है, मैं उससे कभी क्वेश्चन नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, पहले पोलर फॉर्म को पीरियड फॉर्म में बदलता हूँ, पी और आर में। तो उसका एक ही टेक्निक है मेरी बदलने की, एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन p² = 1 अपॉन r² + 1 अपॉन r^4, और यहाँ होता है dr/dθ। इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को पी और आर में चेंज कर लेते हैं, कहने का मतलब थीटा गायब कर देते हैं, ठीक है, फिर रो निकालते हैं। तो उससे हमें 2 फायदे आते हैं, एक तो टेंजेंट नॉर्मल का चैप्टर तैयार हो जाता है पैरेलल फॉर्म बनाने का, तो क्वेश्चन आता है पैरेलल फॉर्म बनाइए, और एक सीधा ऐसा रो भी निकल जाता है, तो दोनों काम हो जाते हैं हमारे। चलिए जी, सबसे पहले इसमें dr/dθ निकालते हैं, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। जब इसे डिफ्रेंशिएट करोगे dr/dθ, तो a 1 का 0 हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा -sin थीटा, ए आ गया। अब इस फॉर्म में भर दो, तो 1 अपॉन p² = 1 अपॉन r² + 1 अपॉन r^4, और जब यहाँ भरोगे यहाँ पर तो इसका स्क्वायर करोगे, तो
तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस तुम्हें इसमें यह कोशिश करनी है किसी भी तरीके से यहाँ थीटा गायब करना। अब थीटा गायब करने के लिए इस क्वेश्चन की हेल्प लेते हैं। कैसे हेल्प लेंगे, इसमें कोस थीटा रहा, हमारे में साइन आ रहा, तो इसे कोस में बदल दो और वहां से कोस की वैल्यू निकाल के इसे भर दो, कोस गायब, तो पूरी इक्वेशन पी और आर बचेगी। बस इतना सा काम करना, वही पी डेल इक्वेशन कहलाती है। देखो ये रहा 1/r⁴, ये रहा ए स्क्वायर, मैंने इसे लिख लिया 1 - cos²θ। अब मैं यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकालूंगा इससे, तो बताओ इसे कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ए नीचे जाएगा इसके नीचे, तो आर अपॉन ए आ जाएगा, फिर यहाँ बचेगा 1, 1 को उधर जाओ तो माइनस के 1 यह आ गया, तो कोस थीटा की वैल्यू इतनी बैठेगी, ये वैल्यू यहाँ भरूंगा बस मैं, तो 1/r² + a² / r⁴, और यहाँ भर दीजिए 1 - r/a - 1² बस। स्क्वायर थोड़ा खोल लीजिए, आ तो गया थीटा गायब हो गया बस। तो यही पेडल फॉर्म होती है, पेडल फॉर्म होती है, बस इसको स्क्वायर को खोल लीजिए जिससे कि देखते में थोड़ा सा आसान लगे। तो 1/r², यहाँ a² / r⁴, यहाँ 1 - स्क्वायर खोलोगे तो r² / a² जाएगा, प्लस के 1 जाएगा, माइनस के आएगा 2r/a, ये लिख दिया। माइनस को अंदर जाओ, तो जब माइनस को अंदर जाओगे तो ये वाला बन इससे कट जाएगा, तो क्या क्या बचा देखो, a² / r⁴ यहाँ बचा, माइनस के ये a² है, r² / a² बचा, और प्लस हो गया 2r/a, बस इसके अंदर गुणा कर लो, तो 1/r², जब इसकी इसमें करोगे तो माइनस के ये सकट जाएगा, ये सकट जाएगा, तो 1/r² बचेगा, इसकी करो इस वाले में, तो यहाँ पे 2 है ये 2, 2, इसकी जब इसमें करोगे एक तो a बचेगा ऊपर, r से r कटेगा तो नीचे r³ आ जाएगी, और एक 2 भी बचेगा ये रहा, और देखो ये सकट गया। तो कुल मिला के हमारी जो पीडल इक्वेशन आई वो ये आई, 1/p² इक्वल टू कितना बेटा, 2a/r³। सीधा कर लो इसको, ऊपर जाओ तो p² की वैल्यू आ गई r³/2a। बस जी इसे ही बोलते हैं पीडल इक्वेशन। तो काफी जगह क्वेश्चन यही पूछा जाता है, बस पीडल इक्वेशन बना दीजिए, तो ऐसे ही बनते हैं पीडल इक्वेशन, ये बन गई। लेकिन हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम है रो निकालना, और रो की वैल्यू ये लानी, ये वाली। तो देखिये रो का फॉर्मूला होता है रो बराबर r dr/dp, ये फॉर्मूला होता है, तो मैं लिखवाया होगा मैंने पहली वाली वीडियो में, उससे पहले भी तुम जानते हो इसे। चलिए जी अब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें पहले dr/dp निकालना पड़ेगा, इसका मतलब इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा p के रेस्पेक्ट में, तो p के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो, ठीक है करो। जब यहाँ पे p के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, इधर देखो p के रेस्पेक्ट में करना, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, उल्टा भी कर सकते हो r के कर लो, जब r के कर लोगे तो इसमें dp/dr बनेगा, फिर उल्टा करके फिर भर दो। अरे डिफ्रेंशिएट तो किसी के भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती उससे, हिम्मत होनी चाहिए। लो मैं r कर देता हूँ, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू r, उसे क्या मैं पढ़ रहा, यहाँ आ जाएगा 2p और dp/dr और इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 3r² और बटे कितना आ जाएगा 2a, ये आ गया। तो dp/dr की वैल्यू निकल गई तुम्हारी, dp/dr की वैल्यू बैठ गई 3r² / 4a, 4p, 4ap, a भी तो आएगा यार, a 2 इधर नीचे गया और p भी नीचे गया, ये तो बना। अब इस फॉर्मूले भर दो, रो बराबर था हमारा r dr/dp, इसमें भरिए, बस वही आंसर है। dr/dp इसका उल्टा कर दो तो 4pa/ में आ जाएगा 3r², ये यहां से एक r कट भी जाएगा तो कितना बैठ गया 4pa/3r। लेकिन आंसर में उसने दिया था, प्रूफ करने को था ना क्वेश्चन, देखो यहां देखो प्रूफ करने को क्वेश्चन था, ये रहा सारा का सारा क्वेश्चन r में था, तो r में लाना तो p हटाना है यहां से, तो p की वैल्यू फिर खोल दो, p की वैल्यू ये नहीं, p की वैल्यू यहां से निकाल के यहां भर दो, तो p की वैल्यू थी हमारी कितनी थी, p² बराबर था r³/2a, तो p की वैल्यू बैठ जाएगी r³/2a⁻¹। ये वैल्यू यहां रख दीजिए बस, तो 4a/3r और ये बैठ गया अंडर रूट में r³/2a, ये बैठ गया। भाई थोड़ा सही कर लीजिए आंसर जाएगा, देखो यहां से r³ है, ये r³ रूट भी है तो r³/3/2 और नीचे r है तो 3/2 में से 1 कम कर दो, ये वाला ऊपर ले जाओ ना, तो r³/3/2 में से एक कम हो जाएगा तो r³ हो जाएगी तुम्हारी 1/2, तो ऊपर r³/1/2 का रूट आ जाएगा, या इसे अंदर ले लो ना, अंदर ले लो तो पड़ जाएगा, वो तुम कर लेना अपने आप, तो 4/3 आ जाएगा, a को भी मैं चलो अंदर ही ले लेता हूँ,
ए को अंदर लोगे तो ए स्क्वायर, और यहां से आर को अंदर लोगे तो आर स्क्वायर, और अपॉन में टू ए। कार्ड फिट कर दो इसको। अब मैं इतनी कैलकुलेशन करना नहीं चाहता क्योंकि कैलकुलेशन तो मैं जानते ही हो तुम सब, ठीक है। अभी बड़ी अजीब सी होगी कैलकुलेशन, मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, साफ से लिख देता हूँ। मुझे केवल ये कैलकुलेशन करनी थी थोड़ी सी। देखो, फोर अपॉन थ्री तो मैंने रखा है, यहाँ ए को मैं अंदर ले गया तो अंदर जाकर ए स्क्वायर बन जाएगा और आर क्यूब, और आर को भी मैं अंदर ले गया तो आर स्क्वायर बन जाएगा इंटू टू ए। अब देखो क्या क्या कटा, एक तो आर स्क्वायर कट गया, ऊपर आर बच गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो 4 बाई 3 ऊपर अंडर रूट में आ गया a और r, और अपॉन में कितना है 2, ये रहा। अब देख लो आंसर क्या था, मैं तो ध्यान भी नहीं दिया आंसर पे क्या था, यही आया कुछ और आया, अंडर रूट में आया 2ar और बाहर है 2 बाई 3, ए अंडर रूट में 2ar, तो कोई बात नहीं इसको अंदर ले जाओ। जब ये अंदर जाएगा यहां ऐसा केवल 2 अंदर जाओ, केवल 2 को ही छोड़ दो, 2 अंदर जाओगे तो 4 जाएगा, 2 दो कट जाएगा, वही तो आ गया, तो सेम आ गया। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करा। एक और देख लीजिए, ये क्वेश्चन खुद ही उसने पीडीएफ फॉर्म में दिया, कई बार आ चुका है क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पी और आर में दिया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, बस आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और सीधा ये फॉर्म लगा दो। रो बराबर क्या था, रो बराबर था आर डी आर ओवर डी पी, ये वाला फॉर्म भर दीजिए, करिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किसके, आर के। जब आर के करोगे तो ए स्क्वायर डी पी ओवर डी आर हो जाएगा ये रहा, और यहाँ आ जाएगा 3 आर स्क्वायर, तो यहां से dp ओवर dr की वैल्यू बैठ गई, कितनी बैठ गई, 3r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब रो का फॉर्मूला लगा दीजिए, रो का फॉर्मूला dr ये होता है, इसमें भर दीजिए बस, और dr dp की वैल्यू यहां से भर दो, बस इसका उल्टा भर दो, तो a स्क्वायर ऊपर और नीचे आ जाएगा 3r स्क्वायर, r से r कट जाएगा तो a स्क्वायर अपॉन कितना आ गया 3r, बस आंसर आ गया। तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते हैं, और देखिए ये क्वेश्चन है कई बार आ चुका है, ये क्वेश्चन जो है सिंपल सा क्वेश्चन है, ये प्रूफ करने को कहा। इसमें देखो tan phi की वैल्यू दी इसने, ये गलती लिखी हुई है, tan phi की वैल्यू, tan phi की वैल्यू थी r d थीटा और dr, ये इनकम्प्लीट रह गया क्वेश्चन यहाँ पर, ये होती है tan phi की वैल्यू। इससे tan phi से हमने तुम्हें ट्राइंगल सिखाया था, तुम्हें ध्यान होगा, तो tan phi बराबर होता है लंब, ये रहा r d थीटा, और ये होता है dr आधार, और मैंने कहा था इसे ds कहना, इसको रटने का तरीका बताया था ये, इसे साइन कोस के फॉर्मूले बन जाते हैं। एक और इस मैं ये लंब हो गया ऊपर ले वाला, ये आ गया dr नीचे आ गया, वैसे प्रूफ करने का तरीका अलग है, ये तो मैंने रटने के लिए बताया था। अब यहां से मान लो कोई तुमसे पूछने का साइन फाई कितना बैठेगा, तो साइन फाई की वैल्यू बैठेगी लंब बटे कर्ण, कर्ण लो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो r यहां पहुंच गया, d थीटा यहां आ गया, ds हो गया। तो ये साइन फाई का हम फॉर्मूला बार बार भूल जाते हैं, तो इसलिए हम टेन फाई का फॉर्मूला याद करते हैं और ट्राइंगल याद रख लेते हैं, उससे तुरंत जाए साइन फाई का फॉर्मूला, कोस फाई का फॉर्मूला, इसे बन जाए, ठीक है। अब यहां देखो एक और बताया था मैंने तुम्हें, एक होता है थीटा, एक होता है फाई, एक होता है साई, ठीक है। तो अब यहां पे ध्यान रखना उस एंगल को, ये तो पता ही होगा तुम्हें, थीटा प्लस फाई बराबर होता है साई के, ये तीन कोणों के बीच का संबंध होता है। ये वाला एंगल होता है रेडियस वेक्टर और इनिशियल लाइन के बीच का कोण, ये वाला होता है रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल, और ये वाला एंगल जो होता है, ये वाला ये होता है टेंजेंट और इनिशियल लाइन के बीच का एंगल, ठीक है। तीन एंगल होते हैं, इनके बीच में संबंध होता है, इससे प्रूफ होगा। अब देखिए मैं इसकी राइट हैंड साइड पर कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड में क्या है, साइन फाई है और ब्रैकेट में 1 प्लस डी फाई ओवर डी थीटा है, ये ना। तो मैं साइन फाई की वैल्यू खोल लूंगा, साइन फाई की वैल्यू आई है आर डी थीटा ओवर डी एस और ब्रैकेट में 1 प्लस डी फाई ओवर डी थीटा, इसको अंदर ले जाइए, आर को बाहर रखना, जब इसको अंदर जाओगे तो डी थीटा ओवर डी एस, अब प्लस जब इसके साथ इस लागू तो ये कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा डी फाई ओवर डी एस, ये ना। इस पूरे में सर डीडीएस बाहर निकाल लो, ये तो अंदर बच जाएगा थीटा प्लस फाइव, और तुम्हें पता है थीटा प्लस फाइव होता है साई के बराबर, तो यहां बन जाएगा आर डी साई ओवर डीएस, और तुम्हें ये पता होगा रो का एक फॉर्मूला ये भी हुआ करता था डीएस ओवर डी साई, और ये इसका क्या हो रहा है उल्टा इसका, तो यहां आ जाएगा आर अपॉन रो, बस ये ही प्रूफ करना था। तो बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे, इन्हें करके देख लीजिए, बड़े आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन तो है नहीं। ऐसे ही पोलर फॉर्म में चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, एक जैसे r इक्वल टू आ गया a इंटू वन प्लस कोस थीटा, शायद मैंने कर दिया मेरे ख्याल से, ये इसका कहा आ जाएगा रो निकाल के दिखाइए, तो पहले से पीडीएफ फॉर्म में बदल लीजिए, पीडीएफ फॉर्म में बदल के फिर उसके बाद में रो निकाल लीजिए। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने अपनी तरफ से बता दिए हैं, और अगला चैप्टर लेंगे अगली वीडियो के अंदर, उसमें बताएं।